बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। आज हम लोग पावन तीर्थ चित्रकूट में आए हैं। चित्रकूट की बहुत महिमा बताई गई है, जैसे अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, उसी तरह से चित्रकूट धाम जो है ये तप की भूमि। सब पर राम तपस्वी राजा, ऐसे राजा श्री राम जी भी जो राजाओं के भी राजा हैं, वो भी 14 वर्ष तक इस चित्रकूट में निवास करके तप किया है। आज भी संतजन महात्मा लोग चित्रकूट में आकर अपने चित्त को लगाते हैं और तपस्या करते हैं। यहाँ चित्रकूट की बहुत महिमा है। देखिए, अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया, श्री जनकपुर में श्री राम जी ने ब्याह किया, किष्किंधा कांड में श्री राम जी ने सुग्रीव पर उपकार किया, लंका कांड में श्री राम जी ने राक्षसों का उद्धार किया, और इस चित्रकूट में श्री राम जी ने जानकी जी का श्रृंगार किया है। तो ये श्रृंगार की भूमि है। राम जी सबको शांति देने वाले हैं, पर राम जी को भी यदि कहीं शांति मिलती है तो चित्रकूट में मिलती है। राम जी सबको आराम देने वाले हैं। कहते भी हैं लोग, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आराम चाहिए तो राम राम करो, पर राम जी को भी यदि कहीं आराम मिला है तो चित्रकूट। चित्रकूट की बहुत महिमा। लोग यहाँ आते हैं, आप जैसे देख ही रहे हैं, हमारे पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। ये मंदाकिनी जी का पावन घाट है, जहाँ राम जी श्री जानकी जी के साथ मंदाकिनी स्नान करने आते थे। आप इधर देखेंगे इस क्षेत्र में तो संतों के विविध आश्रम बने हुए हैं, जहाँ संत जन रहकर भगवान का भजन करते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे जल क्रीड़ा करने वाले ये जल जीव, बदक इत्यादि सब आनंद में विहार करते हैं। ये विहार स्थली है। राम जी भी यहाँ 99 रास किए। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जो रास किया है निधिवन में, उस रास की शास्त्रों में बड़ी चर्चा आती है कि ऐसा रास कहीं हुआ नहीं। पर वो रास हुआ क्यों, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे विशेष कारण तो ये है कि भगवान श्री राम ने 99 रास इस चित्रकूट में किए, और जिस कामतगिरी की हम परिक्रमा करते हैं उस कामतगिरी में ही 99 रास भगवान श्री राम ने किए। पर जब 100वां रास कर रहे थे राम जी, तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर रास में भग्न कर दिया, रास को भंग कर दिया। जब रास भंग हो गया तो 100वां रास अधूरा रह गया। अब भगवान का जो संकल्प था वो अधूरा नहीं रह सकता है। भगवान ने विचार किया कि रामावतार में हमने 100वां रास पूरा नहीं किया, क्या किया जाए, 1 रास बचा है। तब राम जी ने कृष्णावतार लेकर वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ मिलकर 100वां रास संपूर्ण किया। तो ये वो भूमि है जहाँ से वृंदावन की भी महिमा जुड़ी हुई है। ये वो भूमि है जहाँ भगवान को भी शांति मिलती है। ये वो भूमि है जहाँ भगवान ने भक्ति का श्रृंगार किया है। आपकी भक्ति का, या आपको भी यदि अपनी भक्ति का श्रृंगार करना है तो इस चित्रकूट के पावन तट में आइए, मंदाकिनी में स्नान करिए, संतों का दर्स करिए और कुछ दिन रहकर भजन करिए। देखिए चित्रकूट में आकर अपने चित्त को भगवान से लगाइए। यहाँ आकर लोग भी यदि भोग विलास में डूबे रहें, घर परिवार छोड़कर भी आए तब भी यहाँ भोग नहीं छोड़ पाए, तो चित्रकूट आने का कोई लाभ नहीं। हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चित्रकूट आवें
और भगवान की इस पावन रासस्थली का दर्शन करें। यहाँ की विशेष जो मान्यता है कामतगिरी की, जहाँ भगवान ने निवास किया, आज के इस कलिकाल में कामतगिरी की जो परिक्रमा करता है तो संत जन ऐसा कहते हैं उसकी कामना की पूर्ति होती है। मेरा भी एक अनुभव रहा है कि कामतगिरी सबकी कामना पूरी करते हैं। जैसे वृंदावन में गोवर्धन जी हैं, उनकी परिक्रमा होती है, और गोवर्धन जी की परिक्रमा बड़ी कठिन है और कामतगिरी की परिक्रमा बड़ी सरल है। नित्य संत लोग 15 मिनट से 18 मिनट के बीच में कामतगिरी की परिक्रमा कर लेते हैं। और कामतगिरी की ऐसा कलयुग में चमत्कार है, प्रभाव है, कि जो उनकी परिक्रमा करता है उनकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सब इस पावन तीर्थ में आएं, इस पावन तीर्थ का दर्शन करें, पावन जल में स्नान करें। यहाँ के जल की महिमा जो है आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि आपको नीचे के पत्थर जमीन का स्तर आपको दिखाई दे देंगे। इतना निर्मल जल शायद ही नहीं होगा कहीं। जैसे आप लोग आजकल हर जगह लोग आरओ का पानी पीते हैं, आरओ की जो क्वालिटी होती है पानी के जो दोष समाप्त कर देता है, और फिर निर्मल जल आपको आरओ के माध्यम से मिलते हैं, वैसा ही किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, इतना निर्मल पानी है। हम तो कहते हैं आरओ से भी 100 गुना ज़्यादा मीठा पानी है, स्वच्छ पानी है, पानी में कोई दोष नहीं है, ऐसा निर्मल जल। स्नान करने से आध्यात्मिक लाभ, जलपान करने से आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान भुवन भास्कर भी, प्रातः का समय है, 9 बज रहे हैं, भगवान भुवन भास्कर भी धीरे धीरे उदित हो रहे हैं और हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं, यहाँ के दृश्य को मनोरम बना रहे हैं। हमारे गगन जी भी बैठे हैं जो वीडियो शूट कर रहे हैं। आज गुरु जी के साथ हम लोग आए हैं, गगन का बहुत ज़्यादा ये था कि नहीं चला जाए, कुछ चित्रकूट के विषय में भी हम लोग चर्चा करें। तो प्रयास यही रहेगा कि जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस तीर्थ में जाएंगे, वहाँ की महिमा गाएंगे और आप सबको सुनाएंगे। सादर जय श्री राम, राधे श्याम।